चलो गुरम पर हाथ जुड़े पे है महाराज आप जी ने मैनु याद किया। गुरु नानक साहब कहते तेरा ना की है जी? बूढ़ा बब्बा ते राड़ा। नाल ही गुरु नानक साहब कहते तेरा ग्राम केड़ा? ग्राम कहते पिंड दस्या। नाल ही गुरु नानक साहब कहते तेरे पिता का की ना है? वो दस्या। तेरी माता का की ना है? वो दस्या। सारा कुछ पूछ के ना गुरु नानक साहब चुप कर गए। वो बालक पुछदा कहिंदा महाराज जी बकरियां का दुध पियोगे? आखो सर दुध छकोगे बकरी? देखो साडा बाबा किड्डी बरीकी कड़ा कहिंदा जी दुध छकोगे? बच्चा 12 साल दे बूढ़ा जी आ चीजा लिया करो। कहिंदा महाराज दुध छकोगे? अगों गुरु नानक साहब कहिंदे जेड़ियां बकरियां चरा रहे हैं तेरिया अपनिया के पराइया? आपको सर गल बड़ी बरीकी है। कई बार होंगे बकरियां बंदा अपनिया चरा रहा चराने वाला तो कई बार होंगे भी किसे दिया बकरियां चरा रहे? गुरु नानक साहब कहते बकरियां तेरिया अपनिया के किसे दिया? अगों बाबा बुढ़ा जी अजे ना बूढ़ा हाथ जोड़ के की कहते है? कहते महाराज अपनिया भी ने दूजिया दिया भी ने। आपो सतना इन्हों बकरिया च मेरिया अपनिया भी ने पराइया दूजिया भी ने। गुरु नानक साहब कहते जे तेरे तो वेरवा ना लेंदे तू सानू किसे भी बकरी का दुध पिया देंदा ते ए भी चोरी गिनी जांदी चोरी का दुध बन जाए। आखो सतना बकरी किसे भी चराई जा रही है दुध ओदा तू प्यासा बकरियां अपनिया मैं बरीकी लेना हूं मैं डिटेल च नहीं जा सकता। बकरियां तेरिया अपनिया है कि किसे दिया है? बाबा बुढ़ा साहब कहते दोवे अपनिया भी ने बिच किसे दिया भी। गुरु नानक साहब कहते खुशी है जाओ दुध मिल गया
खुशी है जाओ। हूं अजे संगत नहीं जी, पता नहीं अगों 12 साल का बालक बूढ़ा जी कहते है, कहते काम तो दसिया कोई नहीं। गुरु नानक साहब कहते भी खुशी है जाओ, कहता जी जे कोई काम ही नहीं सी दसना, कोई होर मैनू सुनिया ही नहीं सी देना, सद्या क्यों जे आपको साधन बकरियां चरांदियां सद्या क्यों जे। गुरु नानक साहब कहते कई चीजा सामने दई दी है, कई चीजा गुप्त दे दई दी है, तू कहना सद्या क्यों जे, कोई काम नहीं दसिया, कोई होर सुनिया नहीं, कोई बस ना नू पुछ गए तो मैनू भेजन लगे हो, सद्या क्यों जे कोई काम ही नहीं मेरे नाल। महाराज कहते कुछ चीजा सामने दई दी है, कुछ गुप्त दई दी है, वो बच्चिया तेनू जो कुछ दिता अज रात नू ही, अज रात नू ही तेनू ओदे बारे अनुभव आपे ही हो जाएगा, अज रात नू ही। ये गल अगे जाके आएगी, उस रात तो ही बाबा बुढ़ा साहब 12 साल दे बच्चे ने साध संगत नींद नू भी मार लिया। बड़ी वड्डी वस्था नींद नू नहीं जरिया जा, दूजा करंट लग गया कि बाद जाएगा जिक्र वह देता। वो 12 साल दे बालक अपनियां बकरियां लेके गए ते भाई बाला जी उन्होंने कुछ गुरु नानक साहब नूं पुछया, मैनूं पढ़ के बड़ा आनंद आया, शायद तुहानूं भी सुन के आनंद आएगा। ते पूरा प्रकरण ते 2 हफ्तियां च लगेगा अगले वीरवार, वो भी पूरा ही नहीं, विच अज आंशी है। अज जिन्नी सेवा हो सकी 5-7 मिनट होर टिकाओ देना है, कोई वांझा ना रहे, बार तक कह दो एक बारी गुरमुख पर रुकारी बिरला हाय हाय, गुरमुख पर रुकारी बिरला हाय साहब 12 साल की उम्र बकरियां लिया चल पे घर उस दरखत थले। भाई बाला जी पुछते गुरु नानक साहब ये बालक कौन है, बुलाया भी जे पुछ के पिंड केड़ा ग्राम केड़ा ना की माता पिता तोड़ता जे, ये बालक कौन है महाराज जरा सुनियो बीबीओ भेनो। भाई बाला जी पूछते जी ये बालक कौन है, बड़ा डूंगा बचन लिखा जे प्यार। गुरु नानक साहब कहते बाला जी इस बालक दा दीवा भी तैयार है, बत्ती भी तैयार है, तेल भी पिया। सुने हुए बचन गुरु नानक साहब, तुसी कहते बच्चा कौन है, ये तो दीवा भी तैयार है, बत्ती भी तैयार है, दीवे च तेल भी पिया, तिने चीजा तैयार ने, सिर्फ जगाउण दी ही लोड़ है। कमाइया पिछले जन्म दी बड़े बचन है ने आपस, सिर्फ 5 मिनट टिकाओ देना, थोड़े दिन अजे चानने दे ने, टिकाओ बख्शना गाली ना करे। गुरमुख पर उपकारी बिरला सारिया भैन बोलो जी, गुरमुख
ਆਇਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀਵੇ ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ, ਬਸ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਪਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਨੂੰ, ਆ ਜਨਮ 'ਚ ਜਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਗਣਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੁਣਿਓ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਭਾਈ ਬੂੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ। ਐਡੇ ਬਾਲਕ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਤਿਆਰ, ਤੇਲ ਵੀ ਜਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਊ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੀਵਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਗੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਗੇਗਾ? 100 ਸਾਲ, 200 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ? ਇਹ ਦੀਵਾ ਬਾਲਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਗੇਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੀ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ।